Hello everyone, welcome back to my channel. I'm your friend Divya Vijayvargiya. I'm a mother of 14 months old cute little boy and मदर होने के नाते बहुत सारे चैलेंजेस हम फेस करते हैं हमारी मदरहुड जर्नी में, और उनमें से एक चैलेंज होता है बच्चों को खाना खिलाना, जो एक बहुत बड़ा टास्क होता है पेरेंटहुड का. मदर हो या फादर, यही चाहते हैं कि बच्चा अच्छे से प्रॉपर डाइट ले, लेकिन ये इतना इजी नहीं होता है जितना सुनने में इजी लगता है. तो आखिर ऐसा क्या करें जिससे बच्चे अच्छे से खाना खाएं? ये खास तौर पर एक साल के बाद में बच्चों की लाइफ का एक बड़ा टास्क बन जाता है कि उनको बैठकर अच्छे से खाना खाना है. तो आज हम उसी पर बात करने वाले हैं. मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ टिप्स और ट्रिक्स जिसको अप्लाई करके आप अपने बच्चे को बहुत अच्छे से खाना भी खिला पाएंगे और उनकी हेल्थ के लिए जो आप वरी हो रही थी तो आपका वो वरी भी खत्म हो जाएगा. तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट. बीइंग अ मदर, कई बार हम ये सोचकर बच्चों को खाना खिलाते हैं कि हमें बच्चे को मोटा करना है, तो हम बहुत सारा घी या जो भी लोग बताते हैं हम वो खिलाने की बच्चों को कोशिश करते हैं. बच्चा नहीं खाना चाहता है फिर भी हम कोशिश करते हैं. इस चीज़ को काट दीजिए, आपको ये नहीं करना है. बच्चा मोटा होना जो हमारे मन की बात होती है वो ठीक है, लेकिन बच्चे के मोटे होने से ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे का स्वस्थ रहना. बच्चे को जब भूख लगे तभी उसको खिलाएं, ज़बरदस्ती करके उसको खाना मुंह में ठूसना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है. बच्चा खाने से दूर हो जाएगा. कई बार हम बच्चे को खाना खिलाने लगते हैं और डेढ़ साल दो साल के बाद में बच्चे जब और ज़्यादा समझने लगते हैं और उनके नखरे और ज़्यादा होने लगते हैं तो पेरेंट्स इस जगह पर उनको डांट भी देते हैं और कई बार उन पर हाथ भी उठा देते हैं, क्योंकि पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं रोज़ रोज़ उनको मनाते मनाते. लेकिन गाइस ऐसा नहीं करना है. अगर आप इस तरीके का व्यवहार बच्चों के साथ में करेंगे खाने के लिए तो बच्चे खाने से और दूर होते चले जाएंगे. खाने की दोस्ती बच्चों से हो जाए अच्छे से, उससे बड़ा गिफ्ट पेरेंट्स के लिए नहीं हो सकता है. इसके लिए सबसे पहली बात जो ध्यान में रखनी है वो है बच्चे की थाली किस तरीके की है. आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए. आई नो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है ये, लेकिन थोड़ी मेहनत आपको भी करनी होगी. तीन चार साल तक जब आप मेहनत कर लेंगे बच्चे के साथ में तो बच्चे बहुत अच्छे से कंफर्टेबल होकर खाना खा लेंगे. तो प्रेजेंटेशन को महत्व दीजिए, प्रेजेंटेशन को प्रायोरिटी बनाइए. उनकी जो खाने की प्लेट है वो कलरफुल हो. बच्चों को कलरफुल चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं. जैसे मैंने बताया मेरा बेटा 14 महीने का है, तो उसके सामने अगर कलरफुल टोमेटो रखा है प्लेट में, ककड़ी रखी हुई है, वाइट कलर के राइस रखे हैं, राइस के ऊपर थोड़ा धनिया पड़ा है, और राइस हम ऐसे ही नहीं डालें, हम कटोरी में अच्छे से उनको शेप देकर फिर डालें, तो बच्चों को इस तरीके से खाना जो है वो अट्रैक्ट करता है और बच्चे अच्छे से खा लेते हैं. तो ट्राई टू मेक ब्यूटीफुल प्लेट फॉर किड्स, ट्राई टू मेक समथिंग डेकोरेटिव, समथिंग इनोवेटिव फॉर योर किड्स. दिस विल श्योरली हेल्प यू. बच्चों को खाना खिलाने की जो ललक होती है उस चक्कर में हम सोचते हैं कि बच्चे के लिए अगर हम कोई डिश बना रहे हैं तो उसमें ये मसाला भी डाल दें, ये भी डाल दें, ये भी डाल दें, तो चुपके से डाल देंगे तो बच्चा खा जाएगा. देखिए वो डिश में जो जो जाना चाहिए आप वही डालें. अनवांटेड चीज़ें आप मत डालिए या उस डिश को अनहेल्दी बनाने की कोशिश मत कीजिए, वरना आपका बच्चे को खिलाने के चक्कर में आप उसको हेल्दी के बजाय अनहेल्दी कर देंगे. बच्चों का एक टाइम सेट करिए. जैसे ब्रेकफास्ट लंच और डिनर होता है तो आपके बच्चे की रूटीन के हिसाब से आप उसको सेट करिए टाइमिंग्स को, और बीच बीच में छोटे छोटे स्नैक्स टाइम भी आप रखिए. तो बच्चे को दिन भर आप खिला पाएंगे. ऐसा नहीं कि एक बार आप खिला रहे हैं तो उसी टाइम पे पूरा ठूस देंगे, ऐसा नहीं करना है. थोड़ी थोड़ी देर में आप उसको खिलाते रहें, कभी उसको नट्स दे दिए. अगर छोटा बच्चा है बहुत अच्छे से उसके टीथ नहीं आए हैं तो पाउडर फॉर्म में आपने ड्राई फ्रूट्स कर दिया और वो आपने उसको चलते फिरते खिला दिया, आपने उसके लिए जूस बना दिया, आपने उसके हाथ में एप्पल की स्लाइस दे दी, वो उसने खा ली. थोड़ा थोड़ा करके खिलाइए, बच्चे को भी पता नहीं चलेगा कि बैठ के प्रॉपर बैठ के मम्मा खाना खिला रही हैं, और आप भी सेटिस्फाई रहेंगी कि बच्चा धीरे थोड़ा थोड़ा करके खा रहा है. जब भी आप बच्चे को बैठकर खाना खिलाएं तो आप उसके लिए राइम गा सकती हैं, सॉन्ग गा सकती हैं, उसको स्टोरी सुना सकती हैं. चुपचाप बैठ के खाना खिला देना, उसको बार बार डांटना कि जल्दी जल्दी खाओ जल्दी जल्दी खाओ, बच्चा नहीं खाएगा. एक बार खा लिया, दो बार खा लिया, नहीं खाएगा. आपको उसको उसके लिए आपको एक इंटरेस्टिंग सेशन टाइप बनाना होगा. वो बच्चे को लगना चाहिए, बच्चा एंटरटेन होना चाहिए खाना खाते टाइम भी, तो वो टाइम उसको अच्छा लगने लगेगा. आपको फनी फेसेस बनाने हैं. जब भी बच्चे को खाना खिलाते हैं हम देखते हैं कि बच्चा खुद से खाने की कोशिश करता है. कई बार हम हटा देते हैं कि ये तो ढोलेगा और टाइम ज़्यादा लगेगा.
करने दीजिए उसको, ये उसकी ग्रोथ का भी हिस्सा है, प्लस उसको खुद से खाना सिखाएगा। हम कई बार जॉय को, अगर जॉय के लिए डोसा बनाया है तो उसको थोड़ा सा काट के उसको दे देते हैं, पराठा है तो अगर वो खुद से खाना चाह रहा है तो हम उसको पकड़ा देते हैं थोड़ा सा पराठा, तो वो खुद से भी खा रहा है, वो खुद से धीरे धीरे खाएगा, लेकिन हम भी उसको खिला रहे हैं तो उसको पता ही नहीं चलेगा, उसको लगेगा कि ओके मैं भी कोई टास्क कर रहा हूँ। तो ये बच्चे वाकई में करना चाहते हैं, अगर आप उनको रोक रहे हैं तो रोकिए मत, उनको खुद से भी खाने दीजिए। कभी कभी बच्चों को अपने साथ खाना खिलाने की आदत डालिए। हम यूजुअली क्या करते हैं, पहले बच्चे को खिला दिया फिर हम खा लेंगे, या पहले हमने खा लिया फिर इत्मीनान से बच्चे को खाना खिला देंगे। ट्राई करिए अपने साथ बैठकर खाना खिलाने का, इससे बच्चा टुगेदर वाली फील भी समझेगा, पूरी फैमिली मेम्बर्स एक साथ इकट्ठा होकर खाना खा रहे हैं, बच्चा उनको देखेगा। तो इस एज में बच्चे दूसरों को कॉपी करने की भी कोशिश करते हैं, अगर बच्चा नहीं भी खाना खा रहा है तो भी वो खाना खाना सीखेगा। घर में अगर बड़े बच्चे हैं तो मेक श्योर कि वो भी वहाँ बैठे हैं, बच्चों को देखकर बच्चे बहुत जल्दी करते हैं वही चीज़ें, तो सबके साथ इकट्ठा होकर एक ही टेबल पर सब बैठे हुए हैं, तो ये गुड हैबिट्स में भी हैं, बच्चों को अच्छी ईटिंग हैबिट्स भी आप दे रहे हैं, प्लस बच्चा अच्छे से भरपेट खाना भी खा लेगा। जल्दी जल्दी और अच्छे से खाना खिलाने के चक्कर में अगर आप भी बच्चे को टीवी या मोबाइल फ़ोन्स दे रहे हैं तो बिल्कुल भी ऐसा ना करें। मैं पर्सनली इस बात के ख़िलाफ़ हूँ कि बच्चों को हम आगे रहकर अगर मोबाइल दें तो ये बिल्कुल गलत है, उस को आप रिप्लेस करके बच्चे को बालकनी में बैठा कर खिला सकते हैं। आप घर में लव बर्ड्स ला सकते हैं या कोई पैट आपके घर में है तो आप उसको उसके साथ इंगेज करके आप बच्चे को खाना खिला सकते हैं, न कि टीवी या मोबाइल फ़ोन्स देकर, क्योंकि आपका कितना समय बच जाएगा, 10-15 मिनट बच जाएंगे, लेकिन वो 10-15 मिनट से भारी पड़ जाएगा बच्चे की बैड हैबिट्स। मेक श्योर कि आप उसको हेल्दी तरीके से खाना खिलाएं, और रिसर्च कहता है कि जब बच्चे टीवी या मोबाइल फ़ोन्स में इंगेज होकर खाना खाते हैं तो वो प्रॉपरली शरीर को नहीं लगता है, माइंड को सिग्नल ही नहीं मिल रहा है कि खाना खा रहा है, पेट कब भर गया नहीं भर गया, तो इस बात का आप ध्यान रखें। इंडियन मॉम्स के साथ में एक चीज़ हमेशा देखी जाती है कि सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो खुद लेना चाहती हैं, बच्चे को खाना खिलाने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको लगता है उनकी खुद की है, वो खुद ही बच्चे को खाना खिलाते हैं, भले वो तबीयत ख़राब में है या वो बिज़ी है या वर्किंग लेडी है, उनको लगता है नहीं ये मुझे ही करना है। इससे जो नेगेटिव पार्ट जो देखने में आता है वो ये कि फिर बच्चा किसी और के हाथ से खाना नहीं खाता है, तो कोशिश करें कि बच्चे को सबके हाथ से खाना खाने की आदत हो, वो मेरे हाथ से भी अच्छे से खाना खा लेता है, मासी के हाथ से भी खा लेता है, डैडी के हाथ से भी खा लेता है, नानी दादी जॉय सबके साथ अच्छे से इन्वॉल्व हो जाता है और वो उनके हाथ से खाना खा लेता है, क्योंकि हमने शुरू से उसको ये एक ऑप्शन नहीं दिया कि आपको सिर्फ मम्मा के हाथ से खाना खाना है, आपको सबके साथ बैठ कर सबके हाथ से खाना आप खा सकते हो, तो दिस इज़ ऑल्सो अ गुड हैबिट। बेबी को क्या खाना है इसका चुनाव आप करें, ना कि आपने ये देख लिया कि अच्छा बेबी को ये चीज़ पसंद है तो आप रोज़ उसको वही दे रही हैं, इससे क्या होगा कि दूसरा फूड उसको अच्छे से इंट्रोड्यूस ही नहीं हो पाएगा और वो दूसरे फूड को इतने अच्छे से समझ नहीं पाएगा। कोशिश करें कि आप एक दो दिन जो उसका फेवरेट आपने समझ लिया है वो दें, उसके बाद तुरंत उसको चेंज करके आप दूसरा फूड दें, वो भी उसका फेवरेट बन जाएगा। बच्चों को स्वाद और बच्चों को मैंने जैसा आपको फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया, दिखने में किस तरीके से फूड दिख रहा है वो ज़्यादा अट्रैक्ट करता है इस एज में, तो मेक श्योर कि आप उस और ध्यान दें। अगर आपके बच्चे बड़े हैं, यानी कि 2.5-3 साल के बच्चे हैं आपके, और वो कार्टून को अच्छे से समझने लगे हैं, उनको पता है कि ये कौन सा कार्टून है, तो आप उनके फेवरेट कार्टून को खाने में इन्वॉल्व कर सकते हैं, आप उस शेप का डिज़ाइन कर सकते हैं कार्टून, अगर आपके लिए पॉसिबल है और आपके पास टाइम है तो आप एक अगर राइस दे रहे हैं बच्चे को तो राइस के ऊपर छोटे छोटे टोमेटो से स्लाइस करके आइज बना दिया, कैरेट से मुँह बना दिया, तो ये बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करता है। आप रिक्रिएट कर सकते हैं डिश के नेम, जो भी डिश है उसको एक नया नाम देकर, जो उनके कार्टून का फेवरेट फूड है आप वो कहकर जब बच्चों को देंगे तो विश्वास मानिए बच्चे जल्दी से उसको खा जाएंगे। बच्चे बड़े हैं तो आप बच्चों को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, जैसे ही खाना बनना शुरू हुआ है आप उनसे बातें कर सकते हैं, आप उनको बता सकते हैं खाना क्या बन रहा है, किस तरीके से बन रहा है, उसके पीछे की स्टोरी क्या है, उसमें क्या क्या डल रहा है और वो हमारी बॉडी के लिए कितना फ़ायदेमंद है, इससे बच्चों को बच्चा खाने से कनेक्ट होगा और बच्चा खाने को अच्छे से समझेगा और खाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें
और चैनल पर अगर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल पर तुरंत मिल पाएं। तो ये सारे टिप्स और ट्रिक्स अप्लाई करिए अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चे को एक हेल्दी लाइफ दीजिए, अच्छे से उनको खाना खिलाइए ताकि आप भी रिलैक्स रहें और आपकी जो पेरेंटिंग जर्नी है वो काफ़ी स्मूथ और हैपनिंग हो जाए, यही इस चैनल का मोटो है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड स्प्रेड हैप्पीनेस।